हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज का जो रेसिपी है, बच्चों का मनपसंद आइसक्रीम है, और आइसक्रीम हेल्दी वाला आइसक्रीम बनाया है मैंने। बच्चों का मनपसंद, बच्चों को नहीं बड़ों को भी पसंद आता है, बच्चों को बहुत बहुत पसंद आता है। अब ये आइसक्रीम कैसा बनाया मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैं 300 ग्राम उतना पपाया लिया है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के लगाया है। मिक्सी में डाल के इसको फाइन पेस्ट बना दिया, देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना दिया है। यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध को उबालते हैं, अच्छा सा गाढ़ा हुए तक। 1 लीटर दूध, आधा लीटर हुए तक उसको उबालना है। इसका जो मलाई आते रहता है उसको साइड में करते रहिए। साइड में करते हुए इसको अच्छा सा गाढ़ा हुए तक उबालते रहना है। ज़्यादा नहीं, 1 लीटर का दूध आधा लीटर हुए तक इसको उबालना है। थोड़ा क्रीमी बनना है दूध को, देखिए। अभी इसी टाइम में मैं 50 ग्राम उतना बटर लिया है। बटर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक अच्छा उबालने देते हैं दूध को। देख के दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 1 लीटर का दूध देखिए 1.25 लीटर कम हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है और 2 छोटे चम्मच उतना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करती हूँ। अच्छा सा मिक्स करना है ताकि कहीं गुठलियाँ नहीं रह जाए। अच्छा मिक्स कर देती हूँ। पहले मिक्स कर दे के इसको साइड में रखती हूँ। देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी जो कस्टर्ड पाउडर हम मिक्स करे हैं, अभी इसमें डाल देती हूँ। डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करना है, कंटिन्यूसली मिक्स करना है ताकि ना नीचे दाग ना लग जाए। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून शुगर लिया है। अगर आप लोग चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मगर जो आइसक्रीम हम बना रहे हैं आइसक्रीम के जैसा टेस्टी टेस्टी रहना बोला तो 3 चम्मच तो पड़ता है। अगर आप लोग ज़्यादा स्वीट खाते हैं तो और 1 चम्मच डाल सकते हैं। देखिए गाढ़ा हो रहा है और 10 सेकंड तक इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में जो पपाया हम मिक्स करके लगाए हैं पेस्ट के साथ, वो इसमें डाल देते हैं। देखिए पपाया का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। यकीन मानिए बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि इसमें पपाया है। पूरा फाइनली बनने के बाद आप लोगों को मालूम होता है, जो बना रहा है उसको ही मालूम होता है इसमें पपाया मिक्स है, मगर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मालूम होता है। हेल्दी हेल्दी है और आइसक्रीम मनपसंद उन लोगों का आइसक्रीम भी बन जाता है। इसको लगातार मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, लो फ्लेम में लगातार पकाना है। देखिए कंटिन्यूसली मैं मिक्स करते जा रहे हूँ। अभी थोड़ी देर में ये और गाढ़ा बन जाएगा। देखिए 2 मिनट हो गया है। अब एक बंद कर देते हैं गैस को। यहाँ पे मैं केक का मोल लिया है, उसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छा कंटेनर है तो उसमें डाल सकते हैं, डाल के बंद करके रख सकते हैं। अभी इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट बाहर लगा के उसके बाद में हम फ्रीज़र में लगा देते हैं। फ्रीज़र में मैं 2 घंटे तक लगाया है, एक बार चेक करते हैं। अभी सेट नहीं हुआ है और सेट होना है, इसको फिर से मैं फ्रीज़र में लगा देती हूँ। और 1 घंटा मैं फ्रीज़र में लगाया। फ्रीज़र में लगाने के बाद देखिए अभी अच्छा तरह से जम गया है मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ये अच्छा सा जम गया है। मगर अभी नहीं, ये और प्रोसेस है, आपको बताती हूँ और प्रोसेस क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको अभी फिर से मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड करना है। 3 घंटे के बाद ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं। अभी एक ग्राइंड करे सो फिर सेट करना है। इसमें डाल देती हूँ मैं, डाल के अच्छा सा सेट कर देते हैं। देखिए और गाढ़ा बन चुका है ये।
मिक्सी करने के बाद। अब इसे अच्छा सा सेट कर देते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट बना है, और घर में बनाए या बाहर से लाया टेस्ट मालूम भी नहीं हुआ उतना अच्छा बना है। अच्छा सा इसको सेट कर देते हैं। एक गाढ़ा है, टैप करने से भी सेट नहीं होएगा। आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश से कीजिए, मैं स्पून से सेट कर दे रही हूँ। देखिए यह अच्छा सा सेट कर दिया है। अभी फिर से हम इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में लगा देते हैं। देखिए 3 घंटे हो गया है, एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बन चुका है। और ये तो बहुत अच्छा यम्मी यम्मी आइसक्रीम। अभी हम कप में सेट कर लेते हैं इसे। मैं यहाँ पे स्प्रिंकल लिया है और ब्लैक ग्रेप्स लिया है। आप चाहिए तो टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं। देखिए मैं गार्निश किया है, कितना अच्छा दिख रहा है ना। बाहर से हम लाए तो जैसा रहता है उसी तरह से बना है, टेस्ट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बाहर है घर का है, आप बच्चे भी पहचान नहीं पाएंगे। हेल्दी हेल्दी है, पपाया तो कितना अच्छा बेनिफिट्स है आपको भी मालूम है। तो झटपट पपाया घर में रहता है, हमेशा सबके घर में रहता है। आजकल फ्रूट्स बहुत सारे लोग खा रहे हैं, हम हेल्थ के लिए रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए हम खाना खाने के बाद एक फ्रूट ज़रूर खाना है। पपाया तो सभी के घर में रहता है, इसलिए आप पपाया लीजिए, झटपट इस तरह से बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे फुल एंजॉय करते हुए खाते हैं। बच्चों को भी दीजिए, उनके फ्रेंड्स को बुलाए, इनवाइट करिए, और छोटा सा ट्रीट ट्रीट भी हो जाएगा। बच्चे भी हैप्पी तो हम भी हैप्पी, तो फैमिली खुश रहेगा। अगर आप भी अपना फ्रेंड्स को खिलाना चाहते तो ज़रूर बनाइए, बना के खिलाइए, एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना भूलिए मत जो भी वीडियो में बनाऊंगी, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।